लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ऑफ एक्सरसाइज फोर डी दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी ट्वेंटी एडिशन इज फॉर वॉट वैल्यू ऑफ ए ए की क्या वैल्यू हो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स तो ए की वैल्यू निकालनी है हमें कि ऐसी कौन सी ए की वैल्यू हो जो इस इक्वेशन में रखें तो उसके रियल एंड इक्वल र्यू रूट्स आए तो हमारी इक्वेशन है नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो अब हमें पता है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी निकालना पड़ेगा तो डी के लिए हमें ए बी सी पता होना चाहिए तो ए क्या हो गया एक्स स्क्वायर का कॉफिशियट बी क्या हो गया एक्स का कॉफिशेंट दैट इज़ माइनस थ्री ए और सी क्या हो गई कॉन्स्टेंट वैल्यू तो डी हमारा क्या आएगा डी निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो बी क्या हुआ माइनस थ्री ए का होल स्क्वायर माइनस फोर ए हुआ हमारा नाइन और सी हुआ वन तो ये कितना आ गया देखिए माइनस माइनस प्लस थ्री थ्री इज अ नाइन ए स्क्वायर तो ये आ गया नाइन ए स्क्वायर माइनस फोर नाइन इज थर्टी सिक्स एंड नाउ वो कह रहा था फोर इक्वल रूट्स इक्वल रूट्स के लिए हमारा डी क्या होना चाहिए डी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो तो डी की वैल्यू कितनी आई थी नाइन ए स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स आई थी इक्वल्स टू ज़ीरो तो नाइन ए स्क्वायर कितना आ गया थर्टी सिक्स उधर चला गया प्लस का हो गया तो ए स्क्वायर कितना आ गया थर्टी सिक्स अपो ऑन नाइन दैट इज़ नाइन वन जा नाइन नाइन फोर जो थर्टी सिक्स तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी फोर तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट में चला जाएगा फोर तो ए आ गया हमारा जब भी स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस वैल्यू तो दैट मीन्स ए इज टू बी प्लस टू एंड ए इज टू बी माइनस टू फोर इक्वल रूट्स फॉर इक्वल रूट्स ए की वैल्यू प्लस टू होनी चाहिए या माइनस टू होनी चाहिए आंसर